नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। बुधवार को मुरादाबाद पहुंचे अखिलेश ने कहा, भारतीय जनता पार्टी दल नहीं बल्कि गिरोह है, ये गैंग टाइप काम करती है और कुछ भी करा सकती है। चंडीगढ़ की घटना का जिक्र करते हुए अखिलेश बोले, वहाँ जिस तरह वोट की लूट हुई सभी ने देखी है, जैसा चंडीगढ़ में हुआ ऐसे वोट की लूट कहीं नहीं देखी। सुप्रीम कोर्ट से जो संदेश आया है, जिस तरह की बातें हमने देखी है, सोची क्या ये चुनाव हो रहा है, क्या भाजपा वोट को नहीं लूट रही है। इसलिए मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी दल नहीं है, ये गैंग टाइप बनकर काम कर रही है। समय समय पर हमने देखा है भाजपा दल नहीं बल्कि एक गिरोह है, ये अधिकारी से वोट की लूट करवा सकते हैं, ये कुछ भी करा सकते हैं। मुरादाबाद के ठाकुर द्वारा में सपा विधायक नवाब जान के बेटे के शादी समारोह में शामिल होने पहुंचे अखिलेश ने पत्रकार वार्ता में कहा, आने वाले समय में यूपी से भाजपा का सफाया होगा। जिस तरीके से जनता निराश है, दिल्ली में किसान धरने पर बैठे हैं, हाल में जो परीक्षाएं हुई उन सभी में पेपर लीक हुए हैं और बड़े पैमाने पर सरकार पर आरोप लग रहे हैं। सोशल मीडिया और कुछ अखबारों को देखें तो पता चलता है कि जगह जगह पेपर लीक हुए हैं। सोचिए, किसान धरने पर हो और 60 लाख नौजवान केवल पुलिस भर्ती के लिए आ गया तो सोचिए यूपी में क्या हालत है। अखिलेश बोले, निवेश के नाम पर सरकार हर बार वही कुछ लोगों को बुला लेती है। मीडिया मैनेजमेंट का जनता को ये संदेश देने की कोशिश होती है कि प्रदेश में बहुत बड़ा निवेश आ रहा है। निवेश के नाम पर जहां सीएम और पीएम कार्यक्रम में मौजूद हो, केंद्र की सरकार के मंत्री मौजूद हो, वहां पता चलना चाहिए कितना निवेश हुआ। 7 साल बाद सरकार को बताना चाहिए कि उनके निवेश के आने से कितनी नौकरी युवाओं को मिली है, कितना निवेश आया धरातल पर, ये भी सरकार को बताना चाहिए। लगातार सरकार झूठ बोल रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल नहीं होने के सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा कि अंत भला तो सब भला। उन्होंने कहा चीज़ें बहुत जल्द साफ हो जाएंगी। अखिलेश यादव ने कहा, कांग्रेस से गठबंधन होगा, इंडिया गठबंधन बहुत आगे बढ़ चुका है। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।